सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजन फार्मिंग लीडर में। नमस्कार। सामने से जो दर्शक देख रहे हैं, मेरे किसान भाई देख रहे हैं, उन्हें आप एक बार अपना और अपनी कंपनी का छोटा सा परिचय दें। नमस्कार। मैं शंकर पक्षी मित्र का फाउंडर हूँ। पक्षी मित्र ने पोल्ट्री फार्मिंग में रेकिंग का जो ऑपरेशन की तकलीफ है, जो पोल्ट्री फार्मिंग हम जानते हैं कि 50-60 साल पुरानी है, लेकिन वहाँ लीटर मैनेजमेंट रेकिंग करने के लिए अभी भी कोई मैकेनाइज टूल नहीं था। वो मैकेनाइज टूल जो हमने बनाया है, सिंगल फेज और हाफ एचपी पे चलने वाली मशीन है, जिसकी वजह से आपकी रेकिंग की तकलीफ पूरी चली जाती है। और इस वजह से जो कमर दर्द, पीठ दर्द वगैरह सब होता है हर एक चीज़ को जी, तो वो सारा चला जाता है। तो अभी आप जो इसे इम्प्लीमेंट आपका है, ये किस तरीके से काम करता है और किसका प्रोसीजर क्या है? तो बेसिकली सर कैसा है कि ये प्रिंसिपल से तो रोटावेटर जैसा है। अच्छा। लेकिन हम लोग एग्रीकल्चर मतलब अपना खेती में जो यूज़ करते हैं टूल, वो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दो बड़ी तकलीफ है। क्लोज पोल्ट्री फार्म में जगह नहीं होती, और वहाँ जो भी आप चीज़ यूज़ करोगे उसका अगर आवाज़ आ गया और डस्ट आ गया तो आप, हम लोग क्या बोलते हैं, बीमारी से इलाज महंगा हो जाता है जी। तो ये दोनों चीज़ें टेक्निकली मीट करनी होती है। और होता कैसे है कि पोल्ट्री फार्म में बायो सिक्योरिटीज़ के काफ़ी इश्यूज होते हैं। कोविड के दरमियान बहुत लोगों ने जाना भी कि पोल्ट्री फार्म का महत्व क्या, बायो सिक्योरिटी क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो चीज़ कोविड में पहन के चलते हैं वो बायो सिक्योरिटी में पोल्ट्री में हर वक्त चलती रहती है। तो लीटर मैनेजमेंट करने के लिए कम से कम आदमी लोग फार्म में जाए, बिना बर्ड को डिस्टर्ब किए, जिसको हम लोग नॉर्मली एनिमल वेलफेयर बोलते हैं। आप चीज़ इधर कुछ कर रहे हो और उधर मुर्गा मर रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। तो बिना बर्ड को तकलीफ की है अगर अपना काम आसानी से होना चाहिए, तो इसमें कम से कम 75% तक टाइम बचता है। अच्छा। होता क्या है, हम लोग का जैसे हम लोगों ने ट्रायल्स किए तो 10,000 स्क्वायर फीट फार्म रहेगा, दो लेबर को ऐसे नॉर्मल ऑपरेशंस करके कम से कम 4 घंटा लगता है। बिल्कुल। वो 4 घंटा फार्म में लगता है, बाकी आपका ये दर्द पेट दर्द होने के बाद आप कहाँ जाओगे, सोने को चले जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और 4 घंटा गया, जबकि ये चीज़ें इतनी सिंपल है, आपको जैसे ट्रॉली लेके घूमते वैसे करना है। तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा फार्म में रैकिंग हो जाता है, पूरा रैकिंग हो जाता है। और फार्मर का जो कंसर्न है कि इसका मेंटेनेंस कैसा होगा, सर्विस कैसा होगा, हमारा आज तक का रिकॉर्ड है 4 साल में लगभग 3 साल मशीन को कुछ नहीं होता, मेंटेनेंस जीरो, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो बोलते हैं ना हम लोग, लागत हर महीने में जो लगती है ऑलमोस्ट कम है। बिजली का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये आएगा एक बैच में। अच्छा, एक बैच में, एक बैच वो 35 दिन के अंदर। बाकी इसको सिर्फ साफ सुथरा रखना है, उतना ही मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस जीरो। अभी ऐसा है कि अगर मान लिया कोई किसान भाई इसे ले ले और इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो इसकी आपने गारंटी या वारंटी वो कितने टाइम की रखी हुई है? सर, ये प्रोडक्ट में सबसे बड़ी खासियत बात हम लोग ये बोलेंगे कि ये पूरा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। अच्छा। ये भारत की पहली रेकिंग मशीन है, तो इसके सारे जो चीज़ें बनाई गई है वो सारी हम लोग खुद बनाई है। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो नॉर्मली हम लोग हमारा सर्विस इंजीनियर भेजते हैं। ज़्यादा मोटर का रिप्लेसमेंट का रहेगा तो नॉर्मली हम लोग वहाँ से लॉजिस्टिक अरेंज करते हैं, हमारे इधर लाते हैं और रिप्लेस करते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ जो है आवाज़ और वो सब मीट करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीके से की गई है। अच्छा अच्छा। जो आज तक मतलब दूसरा कोई कॉपी नहीं कर पाया। तो उसके लिए हमारा सर्विस रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। आप जो फार्मर्स के वीडियोज़ हमारे यूट्यूब पर है उसमें भी देखेंगे तो फार्मर खुश हो जाता है। अच्छा। बेसिकली तकलीफ जाते हैं। तो सर अब बात आती है इसकी रेट की, तो इसे आप फार्मर भाइयों के लिए किस रेट में प्रोवाइड करा रहे हैं? सर, इसका जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं डोर डिलीवरी प्राइस, इसमें होता कैसे, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये मशीन जब ट्रांसपोर्ट करके जाती है तो बिल्कुल डैमेज नहीं होना है। अच्छा। ताकि डैमेज होगी तो आवाज़ करेगी तो बर्ड डिस्टर्ब होगा, तो वो सारी टेक केयर करनी पड़ती है। तो हम लोग नॉर्मली क्या प्रपोज करते हैं कि आप डोर डिलीवरी ले लो, मतलब ये मशीन आपके पास आने के बाद 1 घंटे में आप मशीन चलाना चालू कर सकते हो, वीडियो वगैरह सब देख के जी। तो GST, पैकिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, जो भी सारे एसेसरीज आते हैं, 50 फीट की वायर आ जाती है। अच्छा। ये डेडिकेटेड मेल प्लग आ जाता है जिसमें मतलब वाटर शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस नहीं, ये सारे मिल के 70,000 में आ जाती है, 67,000 में। इसके साथ 1 साल की वारंटी आती है, बेसिकली वो मोटर की वारंटी है, इसकी वजह से हमें मशीन की वारंटी 1 साल है। मशीन के सारे पार्ट जो है कम से कम 2 साल बिना तकलीफ के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको उसको प्यार से, अपनी मशीन है ऐसा सोच के चलाना है, ये नहीं कि वैसे ही चलाना, वैसे ही चला दिया, छोड़ दिया, कभी साफ नहीं किया, वो 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो बिना खर्चे में
जो पोल्ट्री का एक्चुअली आरओआई जो बोलते हैं हम लोग, लागत कितने दिन में मेरी पीछे आ जाएगी जी, पोल्ट्री फार्म की लागत लगभग 4-5 साल में आ जाती है, इसकी 4 बैच में आ जाएगी, मतलब 8 से 10 महीने के अंदर आपको ये इसका फ्री हो जाएगा। बाद में तो फिर बोनस ही बोनस। हाँ, बोनस ही बोनस। तो सर आपने ये पक्षी मित्र कंपनी के बारे में, अपनी मशीन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, वो जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।